आदाब, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सफादिल। आइए देखते हैं खास समाचार। कानपुर में जीका वायरस का विस्फोट, 30 नए मरीजों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 66 पर पहुंचा। बीजेपी को जितना झटका लगेगा, ईंधन के दाम उतने ही कम होंगे, इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के लिए बीजेपी को हराना जरूरी है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ये बात कही। केंद्र सरकार के बाद कर्नाटक सरकार भी आई हरकत में, पेट्रोल और डीजल के दाम किए कम। कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल और डीजल 7-7 रुपये कम करने का किया ऐलान। हमें महंगाई ने हरा दिया, हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी की हार पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा बयान देते हुए ये बात कही। गुजरात स्थित वलसाड़ जिले के वापी में गुरुवार देर रात एक पेपर मिल में आग लग गई। इस आग में पूरी मिल जल गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 12,729 नए कोरोना मामले, 221 मरीजों की हुई मौत। केदारनाथ में पीएम मोदी ने किया रुद्राभिषेक, 12 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की मूर्ति का भी अनावरण। दिवाली पर सूरत की कंपनी के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, गिफ्ट में मिला इलेक्ट्रिक स्कूटर। जब सरकार 5 साल चल सकती है तो किसान आंदोलन क्यों नहीं, किसान नेता राकेश टिकैत ने कही ये बात। बंगाल के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का निधन, ममता बनर्जी बोली मेरे लिए बड़ा झटका। पंजाब पुलिस ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास खेत से टिफिन बॉक्स बम बरामद किया, एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 2 दिन में 24 लोगों की हुई मौत, कई हुए बीमार। देश और दुनिया में महामारी खत्म नहीं हुई है, मगर भोपाल में दिवाली पर लापरवाह हुए लोग, कोरोना के नियमों की उड़ी धज्जियां। दिवाली पर दिल्ली में लोगों ने धड़ल्ले से जलाए पटाखे, धुएं से ढक गया आसमान। दिल्ली में पटाखे जलाने पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद दिवाली पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, इस कारण दिल्ली का आसमान धुएं के गुब्बार से ढक गया। प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस संग विदेश में मनाई दिवाली, खुद अपने हाथों से किया लक्ष्मी पूजन। करीना कपूर पति सैफ और बच्चों संग दिवाली पर पारंपरिक अवतार में आई नजर, नवाब परिवार का ये अंदाज देख फैंस ने की तारीफ। मलाइका अरोड़ा बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर संग दिवाली पार्टी में जाती आई नजर, कपल की फोटो हुई वायरल। झारखंड की राजधानी रांची में 550 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी एलिवेटेड रोड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट पर सहमति जता दी है। जर्मनी में कोरोना विस्फोट, 24 घंटों में 33,000 से ज्यादा मामलों ने बढ़ाई दहशत, प्रशासन ने दी ये चेतावनी। कोरोना की रफ्तार पर WHO ने जताई चिंता, कहा फरवरी तक अकेले यूरोप में हो सकती है 5 लाख और लोगों की मौत। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।